आप हैं देवाशीष वकील जी, न्यू वीवा कॉलेज के कैटरिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल साहब। तो दोस्तों, ये सातवां वसई विरार मैराथन चल रहा है यहाँ पर वसई में, यहाँ के कैटरिंग के हेड हैं। तो आइए उनसे जानते हैं इस मैराथन में लोगों को खाना खिलाना पिलाना के लिए क्या क्या उन्होंने तैयारियाँ की और कितने लोग इसमें लगे। वकील साहब, वेलकम टू अवर चैनल। नमस्कार। ये जो सातवां मैराथन है उसके लिए जो हमारे पहले तो थीम था, यानी कैटरिंग वाले नॉर्मली सिर्फ खाने पिलाने से संबंधित नहीं रहते, तो हम लोगों ने जो हर साल थीम रहता उसी तरह इस टाइम का जो ये मैराथन का थीम था सेव वाटर सेव लाइफ, तो वो थीम को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ऐसा भोजन की व्यवस्था की कि जिसमें जो कुछ हम यूज कर रहे हैं वो रिसाइकलेबल हो, वो ऑर्गेनिक हो और उसको रिसाइकल कर सके, उसको मिनिमम पानी, यानी जो कुछ भी हमने यूज किया उसमें पानी का यूज नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो प्लेट्स है वो डिस्पोजेबल थी, डिग्रेडेबल है। यहाँ पे जो ग्लासेस थे वो मट्टी के कूलर्स वगैरह यूज किए हैं। जो कुछ भी फूड लेफ्ट ओवर है वो भी हम वापस कंपोज कर रहे हैं। जितने भी जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया था वो टोटली हम रिसाइकल कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरी बात, हम लोगों ने यहाँ पे इस साल एक अच्छी चीज ये रखी थी कि बच्चे लोगों ने बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट्स सबको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए। अच्छा। एलोवेरा के प्लांट्स इसलिए सिलेक्ट किए थे क्योंकि उसको पानी बहुत कम लगता है दूसरे पौधों के मुकाबले में, और दूसरे उसके आयुर्वेदिक उपयोग भी बहुत है, जो मार्केट में हर दूसरे प्रोडक्ट में, ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह में दिखते हैं। फिर लोग जो इसको घर में रखते भी है उसको मेंटेनेंस भी नहीं आता है, और जो हमारे थीम से रिलेटेड भी था सेव वाटर सेव लाइफ, तो उसी हिसाब से हमने पूरा ये साल का ये जो फूड एंड बेवरेज का जो हमारी ओर से आयोजन था वो हमने किया। ये पूरी आयोजन प्रक्रिया के लिए हमें करीबन 188 स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, 15 दिन से हम इस पर काम कर रहे हैं। आप इसमें ट्रेंड स्टूडेंट्स को लगाते हैं या नए लोगों को लगाते हैं? हमारे पास तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। okay. और उनके हिसाब से उनको रोल दिया जाता है, यानी थर्ड ईयर जो होते हैं वो नॉर्मली मैनेजरियल जो वर्क रहता है वो करते हैं, सेकेंड ईयर के जो होते हैं वो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल किचन का जो काम है, बेकरी का जो काम है या सर्विस का जो काम है वो करते हैं, और फर्स्ट ईयर दोनों ईयर के स्टूडेंट को असिस्ट करते हैं, यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों को फर्स्ट ईयर से एक इवेंट कैसे होता है वो देखने का मौका मिलता है। और इसमें लगभग कितने लोगों के लिए खाने की तैयारी आप करते हैं? तकरीबन इनिशियल स्टेज में जब हमारी बात शुरू हुई थी तो हमारे पास 800 के करीब नंबर था, जो कि आज अभी फिजिकली हम लोगों ने जब इवेंट ऑलमोस्ट खत्म होने आ रहे हैं तो 1300 प्लस हो गए। तो कंटिन्यू हमारी बैकेंड टीम थी और उतना रॉ मटेरियल हमने पहले से स्टॉक करके रखा हुआ था। अच्छा। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इतने लोगों को केटर कर सकते, इतने लोगों का ब्रेकफास्ट केटर कर सकते। ओके ओके। और इसमें कुछ कितना पैसा खर्च होता है उसकी कोई दिक्कत तो नहीं रहती आपको? नहीं, पैसा खर्च होता है उसकी कोई दिक्कत वैसे नहीं होती, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो हमारे पास यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनको सुबह से, जब भी मैराथन का फ्लैग ऑफ 6 बजे से, तो सुबह जब भी आप 6 बजे से कोई, यानी 5 बजे से अगर जो यहाँ पे आया हुआ है तो उसको पेट भर के हेल्दी और मैराथन के हिसाब से डाइट वाला ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए, और उसके लिए महानगर पालिका आमदार साहब सबकी ओर से